फलिया कीमा बनाने के नए तरीके से बनाना बताती हूँ आज मैं आपको। और आज हम बनाने लगे हैं फलिया कीमा, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, लहसुन की 1 गठी ली है, 1 इंच का मैंने अदरक लिया है, 3 मैंने प्याज लिए हैं। इन सबको हमने ग्राइंड कर लेना है। ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सब चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसमें घी लिया था, मैंने घी मैंने 1 पाव लिया है, 1 पाव से थोड़ा कम है घी। इसमें मैंने 1/2 किलो के करीब कीमा डाल दिया और मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। ये हमारा कीमा है और इसमें हमने ये जो अदरक लहसुन और ये हमने टमाटर प्याज, मैंने इसकी ये पेस्ट तैयार की है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर ये डाल दिया। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अभी हमने इसके अंदर डाल दिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। वन एंड हाफ टेबलस्पून मैंने मिर्चों का डाला है। हाफ टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली है। हाफ टेबलस्पून मैंने जीरे का डाल दिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया, जो भून के मैंने कूटा हुआ था, जीरा और सूखा धनिया, ये दोनों मैंने वो डाले हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसके अंदर मैंने ये गरम मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी, बादे खाई का फूल है, सारा कुछ है इसके अंदर, वो मैंने हाफ टेबल स्पून डाल दिया है। 1 मैंने तेज पत्ता डाल दिया इसके अंदर। ये हम इसको हिला लेंगे और हम इसको 10 मिनट तक कीमा गलने देंगे और इसको हम ढक देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। जी तो ये हमारा देखे ये कीमा, इसको 10 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर मैंने 1/2 किलो मैंने निकली हुई फलियां ली थी, तो हम ये इसके अंदर डाल देंगे। फलियों को मैंने इसलिए जल्दी डाल दिया कि इन्होंने भी गलना होता है, तो ये इसके साथ ही अब गल जाएगी। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए हल्की आग पर रख देंगे और ये पक जाएगा। ये हम 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर ये गल जाएगी, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। हमने इधर अंडे लिए हैं, अंडे भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। जी नाज़रीन, हमारे ये फलिया कीमा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने अंडे बॉयल किए थे, मैंने 2 अंडे लिए थे, उनको बॉयल किया था। थोड़ा सा अंडा मैंने इस तरह कर लिया है, इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया और थोड़ा मैंने ऐसे गोल स्लाइस कर लिए। जो हमने ये छोटा छोटा काटा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हरा धनिया और मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे। ये हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर 3 डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें हमारा फलिया कीमा नए तरीके से, ये देखें कितना अच्छा रेडी हुआ है। इसका कलर देखें कितना अच्छा है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो हमारा ये फलिया कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये हरा धनिया डाल देंगे।
हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे, ये अंडे ये इसके ऊपर लगा देंगे, टमाटर जी। तो नाज़रीन ये देखें हमारा फलिया कीमा तैयार हो गया है। इस तरीके से आप घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। जी तो व्यूवर्स, आज के हमारे फलिया कीमा की रेसिपी तैयार है। अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।